हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चार मिस्टेक्स हैं जिन्हें जेई एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन फेज में करता है। होने को तो मिस्टेक्स काफी होती हैं, लेकिन ये जो मैं सेट लेके आया हूँ मिस्टेक्स का, ये वो है जिन्हें अगर आप नहीं सुधारोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को खराब कर लोगे। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने खुद की अपनी प्रिपरेशन को स्कैन करके पता लगाई कि मैंने क्या करी थी। ठीक है, इनको तो आपको बिल्कुल इम्प्रूव करना ही है, इनको तो अपनी प्रिपरेशन में रखना ही नहीं है। तो सबसे पहली जो गलती करता है एक एस्पिरेंट, वो है रिवीजन ना करना, नो रिवीजन। ठीक है, एक एस्पिरेंट क्या करता है, एक चैप्टर पढ़ा उसने, मान लो उसके क्वेश्चंस लगा लिए अच्छे से एडवांस तक के क्वेश्चन लगा लिए, उसे लगता है कि उसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद वो उसको वापस मुड़कर नहीं देखता। लेकिन ये गलत है, आपसे वो जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो कोई आज या फिर कल पूछने वाला नहीं है, वो आपसे 1 साल या 2 साल बाद आपके एडवांस के पेपर में या फिर मेंस के पेपर में पूछा जाएगा। अब तक आप उस चीज को भूल चुके होंगे। इस चीज को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छी तरीका होता है, वो होता है रिवीजन करना, और यही एक जेई एस्पिरेंट्स नहीं करता। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है रिवीजन ना करना। इसके लिए आपको एक अलग से टाइम निकालना चाहिए, सुबह या फिर शाम को 2 घंटे निकालो और जो आपने पढ़ाया उसको रिवाइज करो, और डेली रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो एट द एंड भूल जाओगे और आप अपनी प्रिपरेशन खराब कर लोगे। ठीक है, सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती है रिवीजन ना करना। दूसरी गलती क्या है, मेकिंग यूजलेस नोट्स। एक एस्पिरेंट क्या करता है, मान लो वो पढ़ रहा है, उसका टीचर उसे पढ़ा रहा है, तो जो पढ़ा रहा है उसको वो एज इट इज उतार लेगा अपने कॉपी में, एज इट इज लिख लेगा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। कि आप जो लिख रहे हो वो आप बस एक बंडल, एक बुक लिखते जा रहे हो, उसका ना तो आप कभी पढ़ोगे उनको, ना कभी यूज करोगे उनको, तो क्या फायदा हुआ ऐसे नोट्स बनाने का। नोट्स ऐसे बनाओ जो आपके काम आए, जिन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, जो छोटे हों बहुत। नोट्स बनाने का जो आइडियल तरीका होता है वो होता है जैसे आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया आपको, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट होंगे जो टीचर ने पढ़ाए होंगे, जो चैप्टर चल रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को लिख लो। कॉन्सेप्ट्स को आप लिख सकते हो जैसे टीचर बता रहा है उस तरीके से, विद डेरिवेशन लिखना है आप, विद डेरिवेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप डेरिवेशन को रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से रिवीजन होता है, जो टीचर ने पढ़ाया है बिल्कुल वैसे रिवाइज होता है, खाली आपको फॉर्मूलाज नहीं लिखने उसके। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चंस के रूप में उसको लिखना, क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कॉन्सेप्ट्स को लिखना। ठीक है, ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, उन क्वेश्चंस को एज इट इज अपनी नोट्स की कॉपी में लिखना। ये तरीका होता है नोट्स बनाने का। बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज पूरे के पूरे जो टीचर पढ़ा रहा है, जो क्वेश्चन करे हैं, जो भी लिखा है उसमें, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं है, आपको जो मैंने बताया है इस तरह से नोट्स बनाने हैं, यूजफुल नोट्स बनाओ। यूजलेस नोट्स बनाओगे तो उनको ना तो आप कभी रिवाइज करोगे, ना वापस मुड़ के कभी देखोगे, क्या फायदा हुआ उनको बनाने का, 2-3 घंटे उसमें इन्वेस्ट करने का। तो तीसरी गलती क्या करते हैं, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस। एस्पिरेंट क्या करता है, मान लो अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ लिया या फिर ऑफलाइन कोचिंग ले ली, टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, वो सारे के सारे लेक्चर्स देख लिए, उसको लगता है कि उसका चैप्टर कंप्लीट है बस खाली लेक्चर्स देखने से और पढ़ने से। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चैप्टर के तो आपका चैप्टर प्रिपेयर होगा ही नहीं। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता लगता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपके टीचर ने नहीं पढ़ाए, या फिर आपको समझ में नहीं आए, या फिर आपको नहीं आते अच्छे से, या फिर आप उनके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से। ये सब चीजें पता लगती है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, पर एस्पिरेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, जिस चीज से लड़ने जा रहे हो उसकी प्रैक्टिस तो करो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बिल्कुल जरूर करनी है, इसको अवॉइड नहीं करना। ठीक है, ये थी तीसरी मिस्टेक। चौथी मिस्टेक जो एक एस्पिरेंट करता है वो है नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। अब देखो यार, आप कितने भी अच्छे से किसी चैप्टर को पढ़ लो, कितना भी अच्छा उसके क्वेश्चन लगा लो, भले किसी लेवल तक के क्वेश्चन लगा लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं करवाओगे अच्छे से। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है, जो आप देने जा रहे हो पेपर उसकी तो एक इमेज है। मॉक टेस्ट बताता है कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपकी कमियां कहाँ हैं, आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं, आप कितना टाइम ले रहे हो किसी क्वेश्चन करने में, ये सब चीजें पता लगती है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से। तो आप जब तक इस चीज को नहीं करोगे आप 100% तैयार हो ही नहीं सकते। इस चीज को आपको नेगलेक्ट नहीं करना। ऑलमोस्ट हर जेई एस्पिरेंट को जो मैंने देखा, या फिर मैं भी खुद भी टेस्ट नहीं देता था,
तो ये गलती नहीं करनी है आपको। मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं और हमेशा देने हैं। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किस चैप्टर में आप वीक हो, किस कॉन्सेप्ट में वीक हो। तो मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देने हैं, ठीक है। ये थी आपकी यार चार मिस्टेक्स जो एक जी एस्पिरेंट्स करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। इनको आप अवॉइड करो और कोशिश करो कि आप इन गलतियों को ना करो। इनको अवॉइड करोगे तो ही एडवांस में आपका सिलेक्शन हो पाएगा, मेन से सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो यार बहुत कम चांसेस हैं अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हो तो एडवांस या मेंस की सीट ग्रैब करने की। तो ये थी यार आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करना। संतोष पांडे साइनिंग ऑफ, थैंक यू।